बीसीसीआई की साल 2022 की अपेक्स काउंसिल की मीटिंग होनी है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप और एशिया कप के प्रदर्शन के साथ साथ आगामी सीरीज और आगामी वर्ल्ड कप को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी। इस बैठक में भारतीय टीम के भविष्य को लेकर फैसले किए जाएंगे। भारतीय टीम के भविष्य का मतलब है कि टीम इंडिया के लिए अलग कोच और अलग कप्तान का भी प्रावधान लाया जा सकता है, यानी कि T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी किसी अन्य खिलाड़ी को दी जा सकती है। इसके अलावा टीम इंडिया के T20 कोच को भी बदला जा सकता है, यानी कि रोहित शर्मा और साथ ही टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ की पोजीशन पर खतरा मंडराने लगा है। विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान थे, वह तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान रहे, तब इस तरह की किसी भी प्रावधान पर चर्चा नहीं की गई। लेकिन अब रोहित शर्मा के कप्तान बनने के बाद जब T20 में टीम इंडिया का प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा है, तब इस प्रावधान पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा रोहित शर्मा के बदले टीम इंडिया की कप्तानी T20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या को दी जा सकती है, और साथ ही हेड कोच के रूप में भारतीय टीम किसी अन्य खिलाड़ी पर विचार कर सकती है। सीनियर अधिकारी के हवाले से मिली खबर के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के रिव्यू को देखा जाएगा और इसी एजेंडे के साथ मीटिंग की जाएगी और तमाम बातों पर चर्चाएं की जाएंगी। कप्तान के नेतृत्व और साथ ही हेड कोच के प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी और इस पर BCCI नया फैसला लेगी। इसके अलावा जो नई चीज़ें इस मीटिंग में चर्चा में शामिल हो सकती हैं, वो है भारतीय टीम के स्प्लिट कोचिंग स्पेशली T20 के लिए। इसके अलावा स्प्लिट कप्तानी, हार्दिक पांड्या को कप्तानी देकर T20 कप्तानी से रोहित शर्मा को हटाया जा सकता है। वहीं T20 वर्ल्ड कप के रिव्यू को लेकर चर्चा होगी। मीटिंग में जो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे उनमें वर्तमान कोच की समीक्षा भी शामिल रहेगी। इसके अलावा भारतीय टीम की सिलेक्शन कमेटी पर भी चर्चा होगी, उसकी नई पॉलिसी बनाई जा सकती है क्योंकि BCCI ने हाल ही में सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त किया था। इसके अलावा जो बड़ी बात रहेगी वो रहेगी खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट, यानी कि जो खिलाड़ी A+ ABC कैटेगरी में शामिल होंगे उनकी लिस्ट को जारी किया जा सकता है। बहरहाल जो कुछ मीटिंग में होगा ज़रूर आपको अवगत कराया जाएगा, लेकिन आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।